इस तरह करके हम जब 3D का काम करते हैं या 2D में पेंटिंग के इफेक्ट्स में ऐड करना चाहते हैं कोई पैटर्न, तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं, जैसे ग्रास का, स्टोन का, वॉल का, कुछ इस टाइप के टेक्सचर्स तो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये कलर इसके पीछे ऑब्वियसली व्हाइट रेड हुआ है, अगर ये ब्राउन होता तो ये बहुत कमाल का इफेक्ट देता, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह करके। ये ओके हुआ है ना, ये आपका अप्लाई हुआ है, ये आप ले लो लेयर और कर दो शिफ्ट बैक स्पेस, ठीक है। इधर कल मैंने आपको बताया था कलर आप बदल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन करना है, ओके करना है, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी और ओके, ठीक हो गया। पैटर्न तो आपका पैटर्न नहीं है, वो वही रहेगा। अब मैंने वापस वहीं जाना है, इस पे डबल से कर दो तो मेरा वही पॉपअप दोबारा खुल जाए। अगर अब मैंने इस पे ये नहीं करना था, कोई कलर ओवर ग्रेडियंट ओवरले करना था, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो ग्रेडियंट का पैनल खुल जाएगा। इसमें तो जो सा भी ग्रेडियंट ओपन करना है, न्यू बनाना है, जिस तरह कल वो पूरा पड़ा है, आप वो इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते, ठीक हो गया। आप मजीद इसकी सेटिंग चेंज करना चाहो, कुछ भी बनाना चाहो, आप उस पर कर सकते हो, ठीक हो गया। जैसे अगर ये पानी बना हुआ हो और टॉप पे डार्क ब्लू, बीच में कोई व्हाइट लाइट ब्लू या उस तरह से टर्कवाइज का वो कलर ज्यादा, और आपका ये बीच का बन जाएगा, या सनसेट हो रहा बीच के, अक्सर आप उसे देखते हो उस तरह से स्काई या वाटर में शेड जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा। प्लस आप स्केल चेंज कर सकते हो उसका, कि इसके कितनी ब्लेंडिंग हो या ना हो, ठीक है। आपका लीनियर हो, रेडियल हो, जो भी है वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियल है, आपने उसका एंगल घुमाना है, आपने उसका स्केल अप एंड डाउन करना है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वहां तो हम अप्लाई करते थे ना ऐसे, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर रिवर्स करना है कि पर्पल इस तरफ हो और ऑरेंज इस तरफ हो, तो ये रिवर्स कर दो, तो वो उसको रिवर्स कर देगा और इसको बढ़ा देगा अपना दो, ठीक हो गया। ये लो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ओके कर दो, ठीक हो गया। इसी तरह से कलर ओवरले, सिंपल सी बात है, जैसे इन्होंने पूछा कलर चेंज करना, तो अगर कलर चेंज करना आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल ये कलर चेंज करने के लिए होता है, इसमें और कोई मैथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सेटिंग भी फजूल से इसको करने की जरूरत नहीं, इनर ग्लो जैसे आउटर ग्लो था उसी तरह इनर ग्लो है, इनर ग्लो में आपने कलर चेंज करना है, इसी का थोड़ा डार्कर करना है, थोड़ा डार्कर कर लो सेलेक्ट करके, कोई और शेड करना है, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, कोई भी शेड करना है, जो भी करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कर सकते हो, ओपेसिटी लाइट या डार्क कर सकते हो, डार्कन पे आए नॉर्मल पे ला सकते हो, स्क्रीन पे ले जा सकते हो, लाइट पे चला जाएगा, डार्क में डार्कन पे आ जाएगा, ऑब्वियसली ओवरले पे उसके ऊपर आ जाएगा कलर, आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सारी वही सेटिंग्स है जो आपने एक में पढ़ी है वो सब में ही आएगी, और ओके कर सकते हो। नीचे कॉन्टोर वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक हो गया। इसी तरह से इनर ग्लो, जैसे ड्रॉप शेडो और आउटर ग्लो से मिला रहे, उसी तरह से इनर ग्लो और इनर शेडो से मिला रहे। इनर शेडो पे क्लिक करोगे तो वो इनर शेडो दिखाना शुरू कर देगा आपको, अंदर की तरफ शेडो। इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। ये अंदर की तरफ शेडो, ये प्रीव्यू में भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो, लेट्स से ये वाला कलर चाहिए मुझे, तो मैं ये वाला कलर कर देती हूँ, ठीक है। ओपेसिटी कम ज्यादा यहाँ से हो जाएगी, एंगल का मैं आपको बता चुकी हूँ एंगल कैसे सेट होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। डिस्टेंस किधर से एक साइड से आ रहा हो या एक इस साइड से आ रहा हो, जो भी करना हो वो आप सेट कर सकते हो। ये देखो, ये हमने कल परसों पढ़ा है ना डिजिटल पेंटिंग में कैसे करते हैं, आप ये देखो जो ये इफेक्ट लग रहा है इस टाइम पे, ठहरो मैं इसको थोड़ी सी और इसकी सेटिंग बराबर करती हूँ। ये ऐसे लग नहीं रहा जैसे व्हाइट पेपर में से एक सर्कल कटा हुआ है और वो उसके ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग आप इस तरह से कर सकते हो यहाँ से बहुत इजीली, और आप इसका एंगल भी सेट कर सकते हो कि इस साइड पे शेडो दिखे, इस साइड पे शेडो दिखे, इस साइड पे शेडो दिखे, किस साइड पे दिखे, ठीक हो गया। डिस्टेंस कम भी कर सकते हो, ये लो सही है। और आप साइज इंक्रीज कर दो, सॉफ्ट कर दोगे तो जाहिर है वो नहीं लगेगा, और अगर थोड़ा सा ऐसे रखोगे ना, ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा क्रिस्प, तो लगेगा कि कटिंग हुई थी उसमें से, ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद आ जाती है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। आउटलाइन आप एक लगा के उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हो। आउटसाइड का मतलब होता है, जैसे अगर मेरी ये शेप है, तो इस शेप के इस एज से बाहर की तरफ आउटलाइन। इनसाइड का मतलब है इस एज से अंदर की तरफ आउटलाइन। सेंटर का मतलब है आधी अंदर आधी बाहर, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी यहाँ से लाइट डार्क कर सकते हैं, और आपका कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, स्ट्रोक में तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ये देखो,
और ग्रेडियंट नहीं करना, आपने कलर करना है कलर नहीं करना, पैटर्न करना है पैटर्न में, आपने साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। और उसको स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हो, ठीक हो गया। और आपका लिंक हुआ है और ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करके देख लेना किस तरह से रिएक्ट करता है, वो हर कलर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट रिएक्ट करता है, और आप उसको ओके कर सकते हैं। साइज बढ़ाते जाओगे स्ट्रोक का, तो जितनी बड़ी स्ट्रोक होगी उतना पैटर्न अपेयर होता जाएगा, जितनी बारीक होगी उतना कम होगा, ठीक हो गया, ओके कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज जो और आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास यहाँ पे प्लस के साइन लगे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जिस जिस जगह पे ये प्लस का साइन है वहां पे आप इसमें और एडिशन कर सकते हो। एडिशन कैसे? एक स्ट्रोक लगी हुई है ना तो दूसरी स्ट्रोक भी लगा सकते हो, तो दूसरी स्ट्रोक में आप पैटर्न की जगह अगर चाहो तो कलर फिल कर सकते हो, कलर का ये देखो, ठीक है। तो इसका साइज भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बिल्कुल बारीक सा भी रख सकते हो, सकता है मैं इसको ब्लैक पे कर दूं, ये देखो, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। प्लस एक हो सकता है कि आप इस पे आके प्लस करो और इस पे आके एक और स्ट्रोक लगा दो, इसको कलर कर दो और इसको कर दो फिर से ब्लैक और ओके कर दो और इसका साइज कर दो रिड्यूस, या हो सकता है इसका कलर आप कर दो येलो और कर दो ओके और इसका साइज, ठीक है, और ओके। तो प्लस का मतलब होता है कि इसमें ऐड कर सकते हो और जितनी स्ट्रोक करो। अच्छा, अब आ गया बिवेल एंड इम्बोज। बिवेल एंड इम्बोज बड़े मजे की चीज होती है। इम्बोज का मतलब होता है उठा हुआ दिखे, बिवेल का मतलब होता है दबा हुआ दिखे। तो बिवेल और इम्बोज दिखाने के लिए जाहिर है कि हमारे पास एक डार्क होना चाहिए, एक लाइट होना चाहिए, एक हाईलाइट और एक शेडो। तो आप क्या करते हैं, आप इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं। स्टाइल में सबसे पहले आपके पास आ जाता है आउटर बिवेल, जो बाहर की तरफ बिवेल दिखाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है इनर बिवेल, जो अंदर की तरफ दिखाएगा। इम्बोज उठा हुआ दिखाएगा, पिलो इम्बोज जो सॉफ्टली दिखाएगा, स्ट्रोक इम्बोज जो स्ट्रोक को इम्बोज करके दिखाएगा। हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इनर बिवेल। आप इसकी डेप्थ को बढ़ा या कम कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे इतने डेप्थ वाला चाहिए, इतना सॉफ्ट चाहिए या इतनी ज्यादा क्रिस्प एजेस चाहिए। डायरेक्शन लाइट की ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे की तरफ चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डार्क है, तो इसको आपको अप करना है या डाउन करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आप इसका साइज कितना ज्यादा कंट्रोल को दिखाना है वो डिसाइड कर सकते हो। आपने इसके इन जगहों को कितना सॉफ्ट करना है, इन जगहों को, ठीक है, इनको कितना सॉफ्ट करना है आप वो दिखा सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वही बात के आपने शेडिंग का एंगल चेंज अगर करना हो कि लाइट यहाँ से पड़ी है डार्क यहाँ पड़ रहा है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो एक सेटिंग मजेदार और है वो ये कि आप यहाँ से कॉन्टोर्स चेंज कर सकते हैं दिखाने के लिए, कोई मेटालिक फील देने के लिए, कोई शीशे की फील देने के लिए, कोई ग्लॉस दिखाने के लिए, आप इन कॉन्टोर्स को यहाँ पे छेड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है। प्लस अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे व्हाइट नहीं होना चाहिए था, ये इसी ग्रीन का कोई कलर होना चाहिए था, तो आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे, आपके पास कलर पिकर आ जाएगा, आप इसी का ही कोई लाइटर शेड कर लो ये, ठीक है, और मैं इसको ओके कर देती हूँ, तो इसका लाइट शेड आ गया। और अगर आप इसी का डार्कर शेड करना चाहते हो तो इसी का डार्कर शेड कर लो ब्लैक की बजाय, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ही ब्लैक और व्हाइट हुए होते हैं, ताकि वो हर किसी पे एक जैसी शाइन ऐड कर इजी तरीके से। अगर आपने इसको बढ़ाना या कम करना है तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कलर मोड भी आप यहाँ से छेड़ सकते हैं, ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई, ओके कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और सर्कल है यहाँ पे बना हुआ है, एक पे आपने सारी सेटिंग कर दी हुई है, और एक और हम सर्कल बना लेते हैं न्यू लेयर पे और उसमें कलर फिल कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि यही जो सारी सेटिंग की वो इस पे भी आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से करना है सॉरी ग्रीन वाले पे राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पे जाके राइट क्लिक और पेस्ट लेयर स्टाइल, तो वो सारा कुछ इस पे भी करते हैं। अब चाहे 50 लेयर्स बना लो जिसपे सेम इफेक्ट देना हो तो इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस पे बिवेल ऑफ हो जाए लेकिन पैटर्न ऑन हो जाए तो ये कर लो, पैटर्न ऑफ हो जाए ड्रॉप शेडो ऑन हो जाए तो ये कर लो, ठीक है। सारे ऑन करने हैं तो सारे ऑन कर लो, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने कोई टेबल बनानी है उसमें मार्बल का इफेक्ट देना है तो ये इस तरह से बन सकता है कि बिवेल इम्बोज भी कर दो और उस पर पैटर्न भी ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा जी,
ये हो गए ये दोनों। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे कर देती हूँ ये इफेक्ट ऑफ, और इस पे मेरा आ जाता है, अच्छा नहीं रुको एक सेकंड मैं देखती हूँ, इन्होंने ना एक इसी में रखा हुआ था, एक वर्किंग फाइल पड़ी थी, अगर तो वॉच पड़ी हो।